भगवान का दिया अल्प नहीं होता, रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज, आप देख रहे हैं जीएन भारत। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी के बच्चे के जीवन को बचा सकता है। और अभी मैं मौजूद हूँ रांची के मारवाड़ी कॉलेज में, जहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान कर रहे हैं, और आज की युवा पीढ़ी के जज्बे को सलाम है। आइए आज की युवा पीढ़ी से बात करते हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बहुत खुशी की बात है कि वो समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। ये रक्तदान शिविर का आयोजन आप ही लोगों ने किया है? जी, ये रक्तदान शिविर का कार्यक्रम मारवाड़ी कॉलेज, NSS यूनिट और ABBP इकाई के द्वारा किया गया है। ये रक्तदान शिविर शहर में हो रहे रक्त की कमी से मृत्यु के कारण किया गया है। कई बार देखा जाता है सड़क हादसा में लोग पीड़ित हो जाते हैं, उन्हें रक्त नहीं मिल पाता है, तो ये ABBP के द्वारा, NSS के द्वारा और मारवाड़ी कॉलेज के समायोजित कार्यक्रम में ये किया गया है कि जो जिन्हें नहीं मिल पाता है, इस तरह के लगातार शिविर करने से उन लोगों को ब्लड मिल पाएगा। ये हम लोग समय समय पे हर 2-3 महीने के अंतराल में ये कार्यक्रम होते रहता है, कि जिससे कुछ लोग रिपीट भी करते हैं, जैसे 3 महीने के बाद भी लोग ब्लड देते हैं, कोई 4 महीने में ब्लड देते हैं, तो इस तरह की रक्त की कमी ना हो, इसलिए मारवाड़ी कॉलेज में विभिन्न इकाइयों द्वारा समय समय पर रक्तदान किया जाता है। ये जिज्ञासा जगा नहीं, ये सालों भर का हमारा कार्यक्रम होता है। हालांकि ये इकाई अलग हो सकती है, अभी जैसे ABBP के समायोजित में कार्यक्रम हुआ है, कभी एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा होता है, कभी NSS NCC के द्वारा होता है। ये मारवाड़ी कॉलेज में लगातार रक्तदान शिविर कार्यक्रम चलता है, ये ठंड का दिन हो, बरसात हो, गर्मी हो, ये लगातार चलते रहता है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं और रक्तदान कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप रक्तदान कर रहे हैं एक ज़रूरतमंद को? रेगुलर करता हूँ, ठीक है, अच्छा फील होता है। हो गया 2 साल। कितनी बार कर चुके हैं? 7-8 बार कर चुके हैं। कैसा लगता है? फ्रेश फील होता है, रिफ्रेशिंग होता है। क्या कहना चाहेंगे आप पेशेंट को देख रहे हैं? पेशेंट देखिए, रक्तदान करना चाहिए, जो क्योंकि ज़रूरत पेशेंट को, जब डोनर नहीं मिल पाता तो ऐसे वॉलंटियर डोनर काम आता है, और उससे जान बचाई जा सकता है पेशेंट को। ठीक है, हम लोग ये हेल्थ पॉइंट से हैं, हेल्थ पॉइंट ब्लड बैंक से रांची। नहीं, हमेशा हम लोग का कैंप लगता है, हर जगह पर लगता है रांची में। रक्तदान करने से बहुत फ़ायदा है। देखिए, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो 120 दिन में वो डैमेज हो जाता है, वो फिर नया ब्लड बनता है, और ऐसे में अगर वो ब्लड वेस्ट मटेरियल के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो फिर अच्छा होगा कि हम किसी को ब्लड दे के जान बचाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो रक्तदान कर रहे हैं उनमें कितनी उत्साह है और कितनी खुशी की बात है, वो रक्तदान कर रहे हैं किसी ज़रूरतमंद के लिए। और हमने जो डॉक्टर से बात की है, उनका कहना है कि रक्तदान करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या ज़रूरतें हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।